हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे लेसन फोर्टीन जो है सोइल इरोजन एंड इट्स कंजर्वेशन सोइल इरोजन क्या है स्टूडेंट्स सोइल मतलब आप जानते हैं होता है मिट्टी और इरोजन का मतलब होता है कटाव इरोजन को हम क्या कहते है? कटाव कहते हैं? हैं। कटाव और कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षा उसका उसकी उसका बचाव उसका संरक्षण कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि मिट्टी का कटाव और उससे हम कैसे अपने मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं बचा सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉयल इस चैप्टर में आपको मिलेगा मिट्टी की उपयोगिता क्या है एजेंट्स ऑफ सॉयल इरोजन वे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इरोजन करते हैं हाउ आज सॉयल फॉर्म मिट्टी कैसे बनी और हम सॉइल का कंजर्वेशन कैसे कर सकते तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इरोजन क्या है इरोजन कहते किसको है तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार खासतौर पे जब बारिश होती है तो उस समय बारिश के पानी से जब पानी गिरने लगता है काफ़ी पानी हो जाता है तो पानी फिर बहता है ढाल से पानी नीचे बहता है और नीचे जब वो बहता है तो फिर उसके धार से मिट्टी क्या होने लगती है कटने लगती है मिट्टी का कटाव होने लगता है जब मिट्टी कटती है तो आप देखेंगे बारिश का पानी कैसा हो जाता है गंदला हो जाता है गंदा हो जाता है काला हो जाता है क्योंकि उसमें मिट्टी के कण रहते हैं वो मिट्टी के कण जब पानी में मिलते हैं तो पानी का रंग गंदा हो जाता है मिट्टी के कलर का हो जाता है तो वो पानी जो है मिट्टी के ऊपरी सतह को क्या कर रहा है काट रहा है पानी द्वारा मिट्टी के इसी कटाव को सामान्य सी भाषा में अगर हम बात करें तो कटाव यानी कि कटना घिसना रगड़ना उसको तोड़ना फोड़ना यही क्या कहलाता है इरोजन कहलाता है। अपर्दन हम इसे हिंदी में अपर्दन कहते हैं और अपर्दन का मतलब होता है कटाव तो मिट्टी का जो कटाव होता है उसे हम सॉयल इरोजन कहते हैं यह कटाव जो है कई तरीके से होता है बारिश में किसके द्वारा होता है पानी के द्वारा होता है सॉयल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव अब ये जो मिट्टी का कटाव है ये सिर्फ वाटर से नहीं होता है ठीक है ये वाटर के साथ साथ एयर और इसके साथ साथ ग्लेशियर के वजह से भी होता है और इसमें एक और अगर हम मान लेंगे कि ह्यूमन, तो ये मिट्टी का कटाव इन चार प्रमुख कारणों से होता है अब वाटर कैसे होता है मैंने बता दिया आपको बारिश के मौसम में जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो मिट्टी को क्या करती हैं काटती हैं इसी तरह हवा जब तेज चलती है और जब बारिश नहीं होती है तो मिट्टी क्या हो जाती है सूख जाती है और ऊपर से मिट्टी कटना शुरू हो जाती है ये एयर से इरोजन होता है ग्लेशियर जहां पे बर्फ जमी रहती है वहां पे ये इरोजन का काम ये ग्लेशियर यानी कि हिमनद करते हैं और ह्यूमन तो हर जगह कर रहा है सड़क बनाने के लिए मिट्टी खोद रहा है नहर बनाने के लिए मिट्टी खोद रहा है मकान बनाने के लिए मिट्टी खोद रहा है आपने देखा होगा जब मकान बनते हैं तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है भरने के लिए नींव चलती है ना ऐसी नींव चलती है फिर इसके ऊपर मकान बनता है ये नींव जो होती है इसमें क्या भरा जाता है सॉयल भरा जाता है तो ह्यूमन जो है वो सॉयल इरोजन का भी एक बहुत बड़ा कारण है आजकल तो सबसे ज़्यादा जो इरोजन का काम है वो कौन कर रहा है ह्यूमन ही कर रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे एक एक्टिविटी है सिंपल आप इसको आजमा सकते हैं देख सकते हैं टेक टू फ्लैट पॉट्स वन पॉट शुड बी फिल्ड विथ सॉयल एंड सेकेंड पॉट सैपलिंग ऑफ ए प्लांट आप दो बर्तन लेंगे दोनों बर्तन में एक बर्तन में आप मिट्टी सिर्फ रखेंगे और एक बर्तन में आप पौधे वाले मिट्टी रखेंगे व्हाट हैपेंस टू द सोइल इन अ पॉट विदाउट अ प्लांट इट स्टार्ट ब्लोइंग अवे जब आप इस पे पंखे से हवा डालते हैं तो ये जो सिर्फ जिस पॉट में मिट्टी है ना वो उड़ना शुरू कर देता है ठीक है पौधे वाला जो है ये नहीं उड़ता है उतना ज्यादा तो इससे पता चलता है कि जब जिस मिट्टी में पौधे होते हैं पेड़ होते हैं उस मिट्टी का कटाव कम होता है चलिए पढ़ते हैं सॉयल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस हम जानते हैं कि मिट्टी जो है वो अर्थ के सरफेस का यानी कि पृथ्वी के, के सतह का सबसे ऊपरी हिस्सा है ऊपरी आवरण है इट इज मेट ऑफ पेबल्स एयर वाटर एंड डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल अब ये जो सॉयल है ये धरती का सबसे ऊपरी हिस्सा है ठीक है ये मैं बहुत मोटा बना दे रहा हूं ये बहुत बारीक होता है ठीक है काफ़ी पतला मैंने आप लोगों को बताया था कि धरती के जो चार हिस्से हैं ये जो ऊपर का जो हिस्सा है बहुत पतला है मुश्किल से एक आध सौ मीटर दो सौ मीटर सॉयल जिससे बने हुए बाकी तो क्रस्ट तो मोटा है ही है ये ऊपरी जो हिस्सा है ये लाइन के बराबर अगर मान सकते होंगे तो ये मिट्टी ये क्या है सॉयल है और ये सॉय किससे मिलके बना है पेबल्स दूसरा बना है एयर से इस मिट्टी में एयर भी है इस मिट्टी में वाटर भी है और इस मिट्टी में ह्यूमस भी है यानी कि प्लांट और एनिमल के जो रिमेन है डेड रिमेन है तो ये मुख्य ये चार पार्ट से मिलकर ये मिट्टी बनी हुई है कहेंगे भाई एयर कहां है इसमें सर एयर कहां है तुम लोगों ने देखा होगा कि आप मान लीजिए ये धरती है ओके आपने इस धरती में इतना मोटा क्या कर दिया गड्ढा खोद दिया ये चलिए आपका लैंड हो गया आपने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया ठीक है अब इसकी जो मिट्टी निकली आपने यहां पे इकट्ठा कर लिया ओके गड्ढा है ये गड्ढे की टोटल मिट्टी यहां है अब जब इस मिट्टी को वापस तुम इस गड्ढे में भरते हो तो क्या होता है क्या मिट्टी वापस जितनी थी ऐसी होती है ऐसा हो जाता है क्या जी नहीं ऐसा नहीं होता आपने ये जो गड्ढा खोदा उसकी पीर पूरी मिट्टी आपने इसमें भर दी वापस आप जब उसको पूरा भरते हैं तो ये पूरी मिट्टी जो है भरने के बाद भी ये ऊपर का हिस्सा कुछ खाली रह जाता है मिट्टी ये पूरा लेयर यहां तक नहीं भर सकती अब जब इसमें आप वाटर मिला देंगे ना तब ये मिट्टी और क्या होगी और नीचे धंस जाएगी इससे क्या पता चलता है मिट्टी तो उतनी ही है जितना बाहर निकाला आपने उसको वापस डालने पे यह उतना भरा नहीं क्यों क्योंकि इस मिट्टी में क्या था एयर था आपने जब इसको खोदा तो एयर जो था वो क्या हो गया बाहर निकल गया बाहर चला गया आपने फिर उसको वापस किया तो एयर बाहर निकल गया अब एयर भी स्थान घेरता है मैंने बताया था एयर के बारे में कि एयर आकुपाइस स्पेस हवा भी स्थान घेरती है तो ये मिट्टी में इसने स्थान घेरा हुआ था जब इसको खोद दिया गया तो ये हवा बाहर निकल गई और वापस जब हमने मिट्टी डाला तो एयर के लिए जगह नहीं बचा और वो जो एयर जगह घेर रहा था वो एयर निकलने की वजह से मिट्टी क्या हो गई कम हो गई इसे पता चलता है कि मिट्टी में क्या होता है एयर होता है आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइल ये मिट्टी हमारे लिए आवश्यक क्यों है मिट्टी क्यों आवश्यक है सबसे पहले आप देख सकते हो जो भी सबसे पहले तो हम मानव जो भी अपना काम करता है वो कहाँ करता है पृथ्वी के ऊपरी सिरे पे कहता है यानी कि मिट्टी में करता है सारा काम उसका मिट्टी में ही हो रहा है घर बना रहा है काम बना रहा है मिट्टी में बना रहा है खेत उसके कहाँ है मिट्टी में है पेड़ पौधे कहाँ हैं मिट्टी में है ठीक है खनिज कहां, कहां मिल रहा है मिट्टी में मिल रहा है हा सब कहा मिल रहा है मिट्टी में मिल रहा है नदियां कहाँ हैं मिट्टी में ही है तो मिट्टी की बहुत उपयोगिता है ठीक है मिट्टी ना हो तो कुछ भी नहीं होगा धरती पर न पेड़ पौधे होंगे न पशु पक्षी होंगे भाई पेड़ ही नहीं होंगे तो पशु पक्षी नहीं होंगे पशु पक्षी नहीं होंगे तो मानव भी नहीं होगा यानी कि कुछ भी नहीं होगा इसलिए सॉयल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कबीर दास ने लिखा माटी कहे कुम्हार से माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मु ठीक है एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो यानी कि मिट्टी की बहुत है हम लोग मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं तो कबीर दास ने उसी की इंपॉर्टेंस के लिए मिट्टी के माटी आ, के बारे में लिखा तो सॉयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेसियस नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ मिट्टी जो है वो धरती के सबसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सॉयल फॉर सर्वाइवल सारे जो जीवित वस्तुएं हैं चाहे वो पौधे हों चाहे पशु हों वो सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जीवित रहने के लिए इसी सॉयल पर डिपेंड करते हैं फर्दर प्लांट्स गेट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉयल इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो मिट्टी से ही अपना पानी और मिनरल्स ग्रहण करते हैं अब फॉर्मेशन ऑफ सॉयल सॉयल मिट्टी जो है इसकी बनावट कैसी होती है इसमें क्या क्या मिलकर ये बनता है सॉयल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर वाटर हीट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा मिट्टी बनती कैसे है ठीक है मिट्टी बनने की जो सबसे प्रमुख जो वजह है वो है पत्थरों का टूटना पत्थर टूटते हैं वो बुरादे में बदलते हैं बुरादे फिर आगे चलकर सॉयल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो पत्थर कैसे टूटते हैं वही बात है पहले वाटर्स वाटर उनको तोड़ता है नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं पहाड़ों से वो मलबा लेकर मैदानी भाग में आती हैं तोड़ती हैं फोड़ती हैं फिर उनको मैदानी इलाकों में बिछा देती हैं वाटर से बनता है सॉइल से बनता है ठीक है पत्थर जब टूटते फूटते हैं चूर्ण के रूप में बारीक चूर्ण के रूप में बदलते हैं तो मिट्टी में बदल जाते हैं और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिल जाते हैं बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हैं, वो भी मिल जाते हैं दिस प्रोसन इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स वेदरिंग जो कॉन्सेप्ट है इसको अलग है ये इरोजन से क्या है अलग है हालांकि मिट्टी के बनावट में सिर्फ वेदरिंग का हाथ नहीं रहता इरोजन का भी हाथ रहता है वेदरिंग वो प्रोसेस है ठीक है जिसमें कोई चट्टान टूटती है और उसका मलबा बाहर नहीं जाता है ठीक है ये चट्टान टूटी फूटी यहीं पे क्या हो गई बुरादा बन गई जैसे ये चट्टान है ठीक है टूट फूट के ऐसे ढेर में बदल गए ठीक है लेकिन यहीं पे कहीं और नहीं जब ये बुरादा हवा या पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जब ला के डाल दिया जाता है ठीक है तो ये इरोजन प्लस डिपोजिशन कहलाता है ठीक है फिलहाल मिट्टी के निर्माण में वेदरिंग और इरोजन दोनों का हाथ होता है इट टेक्स मिलियंस ऑफ फॉर रॉक्स टू चेंज डोजायर लेकिन आ, समझने वाली जो बात है मिट्टी का निर्माण जो है मिट्टी का निर्माण कम समय में नहीं होता है एक सौ साल दो सौ साल दस साल पांच साल में नहीं होता है ये लाखों सालों में होता है बहुत टाइम लगता है लाखों सालों में मिट्टी का निर्माण होता है ठीक है द मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज ऑफ ह्यूमस पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी जो हिस्सा है वो किससे बना होता है ह्यूमस से बना होता है इट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म बाय द डिकम्पोज़िशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर ह्यूमस मेक्स द दॉयल फर्टाइल अब ह्यूमस जो है वो आ, जो पौधे हैं उनके अवशेषों से और एनिमल्स के अवशेषों से जो मर जाते हैं मिट्टी में दब जाते हैं उनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो मिट्टी में मिल जाता है और उससे ह्यूमस बनता है पत्तियों से भी ह्यूमस बनता है गाय के गोबर से ठीक है यह सबसे ह्यूमस का निर्माण होता है लेयर्स ऑफ सॉयल सॉयल जो बनता है सॉयल जो होती है उसमें कितने स्तर होते हैं मिट्टी जब देखेंगे आप तो उसमें कई आपको विजिबल आपको लाइंस डिफरेंस दिखाई देगा सॉयल इज मेड ऑफ डिफरेंट ऑरिजेंटल लेयर साइल जो है ऐसे देख सकते हैं आज आप काटेंगे एक जैसे मिट्टी में कुदाल से तुम छः मारो ठीक है एक इधर से एक इधर से एक इधर से, से और एक इधर से और जब ये मिट्टी आप निकालेंगे ठीक है ऐसे निकाल दिया तो इसमें आपको मिट्टी के कई रंग नजर आएंगे कई स्तर नजर आएंगे ठीक है तो जो सबसे ऊपर का टॉप साइल होता है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होता है यानी कि सबसे ऊपर का जो हिस्सा है ठीक है पतला सा इसमें ह्यूमस होता है ओके ये देख सकते हो ठीक है ये ह्यूमस है ओके प्लांट्स फिक्स देयर रूट्स इन दिस लेयर जो पेड़ पौधे हैं ठीक है ठीके? उनकी जो जड़ें होती हैं ये इसी टॉप सॉयल में यानी कि ह्यूमस में रहती है समझ में आ गया अब अगर पूछा जाए कि ह्यूमस कहां पाया जाता है तो आप क्या कहेंगे टॉप सॉयल में पाया जाता है तो टॉप सॉयल में ह्यूमस आ गया सब सॉइल इज द लेयर बिलो द टॉप सॉयल टॉप साइल के नीचे का जो लेयर होता है उसे हम सब सॉइल कहते हैं विच कंसिस्ट मेनली ऑफ स्मॉल रॉक्स जिसमें छोटे छोटे पत्थर टुकड़े पाए जाते हैं द रूट्स ऑफ ओनली बिग ट्रीज कैन रीच दिस लेयर जो पेड़ों के बड़े बड़े पेड़ों के ही जड़ें यहाँ तक पहुँच पाती हैं बेड रॉक इज द लेयर मेड ऑफ रॉक्स बिलो द सब सॉयल रूट्स कैन नॉट पास थ्रू द लेयर बेड रॉक जो है वो सब सॉइल के नीचे की रॉक है इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं और यहां जड़ें नहीं पहुंच पाती ये चैप्टर आपको क्लास सेवन में फिर मिलेगा सॉयल साइंस में मिलेगा आपको सॉयल इरोजन क्या होता है मैंने बता दिया कि सॉयल इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप लेयर ऑफ सॉयल बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर इट इज हार्मफुल फॉर द सॉयल एज इट लॉसेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल इट मेक्स फर्टाइल सॉयर बैर एन दस रिजल्टिंग इन पुअर हार्वेस्टिंग सॉयल इरोजन मैंने बता दिया कि मिट्टी की जब ऊपरी जो सतह है वो हवा पानी के माध्यम से जब कट जाती है उपजाऊ हिस्सा चुकी आप पढ़ चुके कि इस आ, मिट्टी का सबसे ऊपरी हिस्सा जो क्या होता है बहुत उपजाऊ होता है इसमें ह्यूमस रहता है और जब यह ह्यूमस ही कट जाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी बंजर हो जाएगी मिट्टी क्या हो जाएगी बंजर तो फिर फसलें उसमें उत्पन्न उत्पादित नहीं होती वो किसी काम की नहीं रहती एजेंट ऑफ सॉयल इरोजन एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन यानी कि इरोजन किसके किसके माध्यम से होता है मैंने बता दिया था एयर बहुत प्रमुख है दूसरा वाटर और तीसरा ग्लेसियर और चौथा जो है ह्यूमन खुद ये चारों जो हैं ये इरोजन के माध्यम है सबसे पहले इट ब्लोज अवे द टॉप सॉयल इन प्लेसेस वेयर देयर इज पुअर नो वेजिटेशन हवा जब तेज चलती है अप्रैल मई के महीनों में तो वो मिट्टी को काटती है आप देखते होंगे कि हवा बहुत धूल उड़ती है वो सब मिट्टी का कटाव ही है इरोजन ही है तो वो मिट्टी के ऊपरी सतह को काट कर फिर दूर ले जाती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर आर नो रूट्स टू होल्ड द सॉयल फॉर्मली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मिट्टी जो है उस पर पे पेड़ पौधे नहीं रहते हैं पेड़ पौधों के जड़ जो हैं मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं वाटर रनिंग वाटर फ्लडेड रिवर्स एंड हैवी रेंस कैरी द साइल फ्रॉम द अलोंग द अलोंग विद देम इसी तरीके से मिट्टी पानी की वजह से भी कटती है जब तेज़ बारिश होती है धारा बहने लगती है तो पानी की धार मिट्टी को क्या करती है काटकर बाहर ले जाती है ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं ट्रे में ये घास वाला घास द, घास वाली मिट्टी डालें और खाली मिट्टी डालें जब आप पानी इसमें गिराएंगे तो ये जो खाली मिट्टी है ये जल्दी बह जाएगी कट जाएगी ह्यूमन एक्टिविटीज इंसान जो है वो बहुत बड़ा कारण है सॉयल so, इरोजन का ओवर पॉपुलेशन जनसंख्या उसने पेड़ काटे, लगाए शहरीकरण बढ़ा लोगों को रहने के लिए घर चाहिए था अन्न बुजाने के लिए खेत चाहिए होता इसलिए उसने बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों को काट दिया और इसकी वजह से बहुत सारी जो धरती थी वो जंगल से विहीन हो गई और इसके वजह से सॉइल इरोजन बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया इंसान के वे कौन से काम हैं जिससे इरोजन होता है वह है डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इस शब्द को आप याद कर लेंगे डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है निर्वनीकरण क्या होता है निर्वनीकरण यानी कि जंगलों की कटाई इज द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर यह वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े पैमानों को पेड़ बड़े पैमानों पर पेड़ों को काटा जाता है ये देखिए पेड़ काटे गए हैं ट्रीज आर कटिंग डाउन फॉर ऑपटेनिंग वुड्स पेड़ किस लिए काटे गए लकड़ी के लिए इमारतों में लकड़ी चाहिए आपका घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए चौखट दरवाजा बेड सोफा ये सब बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए इसके लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए मैन यूज टू बिल बैरब्रिजेस हाउसेज फैक्ट्रीज ए टी सी वेन पीपल क्लियर द फॉरेस्ट इज दॉय इरोजन मैंने बताया कि जब पेड़ कटते हैं तो इससे सॉइल इरोजन बढ़ता है इसके बाद ओवरग्रेजिंग ये पशु जब चढ़ते हैं मैदानों में तो इनके खुरुओं से ठीक है मिट्टी क्या होती है बहुत कटती है और जब हवा चलती है तो ये क्या हो जाता है हाँ, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चला चला जाता है ंग ऑफ hill slopes, पहाड़ी इलाकों में जब खेत बनाए जाते हैं जब खेत जोते जाते हैं तो उसमें भी मिट्टी क्या होती कट के फिर नीचे भूर गिरने लगती है कंजर्वेशन ऑफ सॉयल देखो अभी बेटा कंजर्वेशन जो है पेड़ पौधों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है ठीक है क्यों जरूरी है इसमें मैंने कविता भी लिखी है वो कविता आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल से देख सकते हैं कि चलिए इसको दिखाते हैं आपको थोड़ा सा पोयम काट जंगलों को अब से गमलों में पेड़ उगेंगे काट जंगलों को अब से गमलों में पेड़ उगेंगे होंगे गिनती भर लेकिन फल देर सवेर लगेंगे करते चले जा रहे धरती को हरियाली अंध विकास सर्ब के आगे बजा रहे हैं बीन मृत्यु राग अपने फन से निश्चित छेड़ चलेंगे काट जंगलों को अब से गमलों में पेड़ उगेंगे लगी होड़ आगे बढ़ने की दुनिया के लोगों में गए भूले अच्छी बातें जो थी उनके पुरखों में आगे वाले को नेता पीछे के भेड़ चुनेंगे काट जंगलों को अब से गमलों में पेड़ उगेंगे बना रहे हैं कंक्रीट की ऊंची बहुत मीनारे हाफ रही हैं हवा बिना उनकी सारी दीवारें जहर घुले धुएं के अनवरत थपेड़ चलेंगे काट जंगलों को अब से गमलों में पेड़ उगेंगे पेड़ नहीं गमलों में छोटे पौधे ही उगते हैं दिखने में सुंदर लेकिन क्या जीवन देते हैं अपना जीवन क्या है अपना जीवन क्या है मानवता की भेंट चढ़ेंगे काट जंगलों को अब से गमलों में पेड़ उगेंगे काट जंगलों को अब से तो आप लोगों ने देखा ये एक मेरी पोयम थी पेड़ पौधों के संरक्षण पे जो पिछले दिसंबर में मैंने डाला था तो पेड़ पौधे बहुत जरूरी हैं क्यों जरूरी है कंजर्वेशन ऑफ सॉयल ये मिट्टी का संरक्षण करते हैं इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर सॉइल टू फॉर्म हम जानते हैं कि मिट्टी के निर्माण में लाखों साल लग जाते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल गिफ्ट्स बाई नेचर यह प्रकृति का हमको दिया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है बहुत ही ज़रूरी तोहफा है इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसकी सुरक्षा करें इसकी इसका संरक्षण करें द प्रोटेक्शन ऑफ सॉयल अगेंस्ट इरोजन इज़ कॉल्ड सॉयल कंजर्वेशन वह कार्य जब हम मिट्टी के संरक्षण बचाते हैं उसको कटने से उसे हम सॉयल कंजर्वेशन कहते हैं यानी कि मिट्टी का संरक्षण मिट्टी का बचाव कि हम वो का क्या काम करें कि मिट्टी कटे ना उसका अपर्दन ना हो अब ये हम काम कैसे कर सकते हैं हम मिट्टी का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं सबसे पहले एफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन जैसे मैंने बताया डिफॉरेस्टेशन का मतलब है निर्वनीकरण उसी तरीके से एफॉरेस्टेशन का मतलब है वनीकरण वनीकरण मतलब वनों को लगाना पेड़ पौधों को लगाना इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन लार्ज नंबर द रूट्स प्लांट सोल द सॉयल्स पॉजिकल स्टोरेज इज द फ्लो ऑफ विंड एंड वाटर क्योंकि पेड़ों की जो जड़ है वो मिट्टी को बांध कर पकड़ कर रखते हैं जिससे सॉयल इरोजन नहीं होता मिट्टी आसानी से नहीं कटती इसके अलावा टेरेस स्टेप फार्मिंग ये जो पहाड़ी इलाके हैं इसमें खेती करने के लिए हम सीढ़ीदार ये टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं ताकि ढाल ना रहे और मिट्टी कटे ना इसके अलावा बांस फेंसेज एम्बॉकमेंट्स नदियों के किनारे हम बांध बना सकते हैं मिट्टी के जिससे कि पानी बाहर ओवरफ्लो ना हो और मिट्टी ना कटे ग्रोइंग कवर क्रॉप्स कई बार होता है कि हम सिर्फ देखो राइस या और व्हीट हम यहाँ पे उगाते हैं लेकिन इन दो फ़सलों के बीच में ही कुछ और फ़सलें भी उगानी चाहिए या वीट या राइस की जगह पे साल भर में कभी चेंज कर देना चाहिए चना उगाना चाहिए सरसों उगाना चाहिए मसूर उगाना चाहिए अरहर उगाना चाहिए इससे क्या है कि मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो बची रहती है कंटिन्यू एक ही फसल उगाते रहने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और वो उसमें कटाव भी ज़्यादा होता है तो ये जो चैप्टर था इस तरीके से स्टूडेंट्स सॉयल इरोजन एंड कंजर्वेशन हुआ समाप्त आई होप कि आपको समझ में आया होगा आपने इसको काफी इन्जॉय किया होगा और अगले वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज मिलेगा थैंक यू हैव अ गुड डे